आजकल बहुत चर्चा है उसके बंगले की, राजमहल की। कोई शीश महल कहता है, कोई राजमहल कहता है, कोई ताजमहल भी कहता है। लेकिन जब चुनाव लड़ने आया था तो एफिडेविट दिया था, सरकारी बंगला नहीं लूंगा। और आज जिस बंगले का जिक्र हो रहा है, वो बंगला अगर उसकी जमीन, उसकी बनवाई सब मान ले तो लगभग 400-500 करोड़ का एक बड़ा खेला है उसमें। शपथ पत्र पे साइन करते हुए कहा था कि सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। आज उसके काफिले में 2 करोड़ से ज्यादा की गाड़ियां चलती हैं। अपने शपथ पत्र में उसने कहा कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। आज दिल्ली पुलिस तो छोड़िए, पंजाब पुलिस की सुरक्षा उसको अलग से मिली। जो आदमी अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर झूठी कसम खा सकता है तो समझ लीजिए वो दिल्ली में किसी को भी लूट सकता है, और वो लूट रहा है। 45 करोड़ जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, अभी मीनाक्षी दीदी डिटेल में बात करेंगे आपको, जो उसने घर की साज सज्जा पे खर्च किए हैं, वो पैसे आपके और हमारे हैं जो हम टैक्स देते हैं। हमारी जेब पे डाका डाला है उसने। ये बहन जी पीछे बैठी है, सर ही ला रही है। घर में बाथरूम है? नहीं है, नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूं। अब अरे सुनो, उसके घर में 15 बाथरूम है और एक एक बाथरूम 15-15 लाख रुपए का, एसी भी लगा हुआ है। और मजे की बात है, बाथरूम के अंदर जो पॉट लगा होता है, पखाना जिसे बोलते हैं, 4 लाख रुपए का एक है। यहां 40,000 में बाथरूम बन जाता है। अब हमें तो समझ में नहीं आता कि कोई एक बाथरूम में जो करता होगा 15 बाथरूम में कुछ अलग से तो करता नहीं होगा, लेकिन करता है, भगवान जाने क्या करता है। और ऐसा क्या निकलता है कि उसके लिए भी तुम्हें 4 लाख का पॉट चाहिए। घर में 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाया है। कोई बात नहीं संजीवा बहन जी, कोई बात नहीं, वो बहन है उसको बोलने दो, आप भी बैठो, कोई बात नहीं, उसकी अपनी पीड़ा है। लेकिन आप सबके जो पैसे आपकी झुग्गियों में लगने चाहिए थे, आपकी पेंशन में लगने चाहिए थे, आपके घरों में राशन कार्ड बनने चाहिए थे, उन पैसों से इसने अपना बंगला सजाया, अपनी फोटो लगाई, अपने अखबार में इश्तहार दिया। जो काम जनता की भलाई के लिए करने चाहिए थे वो काम इसने नहीं किए। अभी हम परसों बता रहे थे, इस बार जो दिल्ली को बजट मिला उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,700 करोड़ रुपए भेजे दिल्ली सरकार को कि जितनी माताएं बहनें बुजुर्ग विधवा हैं उन सबके घर में 3,000 रुपए की पेंशन चली जाए। 1 रुपया ये निकाल के नहीं दे रहा। ऐसे कमबख्त आदमी को मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली की जनता। अभी वो कह रहे थे कि वो नीली शर्ट पहन के, खुली खुली शर्ट पहन के घूमता है। वो खुली शर्ट इसलिए पहनता है कि उसके पेट पर जो चर्बी है वो आपके और हमारे बच्चे के हिस्से की रोटी है, वो उसको छुपाता है। वो ऐसा ठग है जिसने हम सबको ठगा है। दिल्ली की जनता को लूटने का काम, शीला दीक्षित के 5 एसी को लेके 70 पेजों की फाइल है मेरे पास, शीला दीक्षित करप्ट है, दुनिया भर के उसने नारे लगाए, लेकिन सरकार के पास आने के बाद क्या किया। जिस कांग्रेस को वो गाली देता था आज उस कांग्रेस की गोद में बैठा है। इसके भ्रष्टाचार के सारे मुकदमे कांग्रेस के लीडर लड़ रहे हैं, वो उसको बचाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने पिछले 1.5 साल से इसकी शराब नीति के खिलाफ आंदोलन किया। आपके यहां भी हुआ, दिल्ली की जनता ने उसे मैंडेट दिया कि तुम स्कूल कॉलेज जाके गली गली खोलो, झुकी झोपड़ी में खोलो, बच्चों को पढ़ाओ। इसने क्या खोला, इसने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा स्कूल कुछ नहीं छोड़ा और सब जगह शराब के ठेके खोले। जो युवा बच्चे जिनको पढ़ने जाना था उनको शराब के नशे में धकेलने का काम किया, और शराब की नीति भी ऐसी बनाई कि एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री ले जाओ। जहां किताबें देनी थी, जहां बच्चों को पढ़ने का सामान देना था, वहां तू शराब की बोतलें उनके हाथ में पकड़ा रहा।
ऐसे आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री हम लोगों ने बनाया, शर्म आती। और इसके भ्रष्टाचार की कहानी बड़ी अजीब है। आज भी शराब की दुकानें दिल्ली में हैं, आज भी ठेके खुले हुए हैं, ठेकेदारों को कमीशन मिलता 2%, खुश हैं वो उसमें, कमा रहे हैं। लेकिन ये जो शराब नीति लेकर आया था उससे पहले भी 2% मिलते थे। ये जो शराब नीति लेकर आया उसने इसमें लिखा कि नहीं, ये ठेकेदार तो बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, इनका कमीशन 2% से 12% कर दिया जाए। अरे जो तू 10% कमीशन बढ़ा रहा था वो 10% में 6% हिस्सा तेरा था, तो उनसे पैसे वापस ले रहा था। लेकिन आप लोगों ने मिलके, हम लोगों ने मिलके आंदोलन किया तो इसको शराब की नीति वापस लेनी पड़ी, इसको घुटने टेकने पड़े पहली बार दिल्ली की जनता के आगे। पूरे हिंदुस्तान में यह अकेला मुख्यमंत्री है जिसके 2-2 मंत्री जेल में। और मैं बार बार कहता हूं, आज इस मंच से फिर कह के जा रहा हूं, आप लोग अपना संघर्ष मत छोड़ना, आप लोग संकल्प लेके रखना, अरविंद केजरीवाल की दिवाली काली होने वाली है इस बार। सीबीआई का एक सम्मन उसको आ चुका है। और जब मैं कह रहा हूं कि उसकी दिवाली काली होने वाली है तो आप लोग समझ लीजिए कि उसकी दिवाली काली होगी तो आपकी दिवाली ऐसी होगी पूरी जिंदगी आपकी रोशन हो जाएगी। लेकिन काम बड़ा है, मेहनत ज्यादा करनी है, और हम सबको एक मुट्ठी में संघर्षरत होकर एक दिशा में काम करने की जरूरत है। आज दिल्ली में ये सारे चोर, दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में सारे चोर इकट्ठे हो गए। जिसे लालू यादव को ये गाली देता था उसके गले लग रहा है, कपिल सिब्बल को गाली देता था आज कपिल सिब्बल इसके लिए रहनुमा हो गया, जिस के कविता को ये गालियां देता था तेलंगाना में वो आज इसकी शराब की पार्टनर है, अखिलेश यादव को ये चोर कहता था यूपी वाले को आज उसके साथ हाथ से हाथ मिला के बैठा है। मतलब जितने भ्रष्टाचारी थे ये सब इकट्ठे हो गए सिर्फ किस लिए, एक आदमी को रोकना है, वो है नरेंद्र मोदी। वो आदमी जो देश में विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर रहा है। दिल्ली में आज भी जिन लोगों के पास राशन कार्ड है ऐसे 73 लाख लोगों को कोविड के टाइम से लगातार 10 किलो राशन दे रहे हैं। 3,70,00,000 लोगों को कोविड का इंजेक्शन फ्री में लगा है। और कोई एहसान नहीं किया, हमारा काम है आपकी सेवा करना। लेकिन जो काम इसको करने चाहिए थे इसने उसके बदले में आपको हम सबको लूटने का काम किया। हमने अपने घर में अपनी माताओं बहनों को देखा है बचपन में, हमने भी वो दर्द गरीबी का देखा है। मैंने वो समय भी देखा है जब घर में पर्दे नहीं होते थे तो माँ पुरानी धोती टांग देती थी कि बाहर से कोई झांके नहीं, होता था ना बहन जी। हमारे घर में कितने का पर्दा लग जाएगा जी, 500 रुपए का, 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का। इसके घर का एक एक पर्दा 8 से 9 लाख रुपए का है। 1 करोड़ के पर्दे लगाए हैं इसने घर में। ऐसा क्या काम करते हो इतना छुपाने की जरूरत है। दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में मकराना का मार्बल सबसे अच्छा माना जाता है राजस्थान का, लेकिन इसको अपने घर में जो फर्श चाहिए वो मार्बल वियतनाम से आ रहा है। 6 करोड़ का मार्बल है जिसपे चलता है। वो क्या था गाना सुनते थे हम, तीसरी कसम, सनम रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है। ये कमत पता नहीं किस पे जाएगा, कौन से पर्दे ले जाएगा, कौन सा पत्थर ले जाएगा, है नहीं तो 4 लाख के पोर्ट पे जाएगा। महंगा वाला इसलिए लगवाया दोस्तों। आज एक संकल्प लेके जाना है क्योंकि अभी दीदी ने बोलना है, आगे हमको भी जाना है। दोनों हाथ उठा के एक संकल्प मैं आप लोगों से चाहता हूं, और आप लोग मुझे भरोसा है आप लोग हमें आशीर्वाद देंगे। एक बार दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। 2024 में माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, जोर से बोलिए, माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, बनाना है, बनाना है। आप ये संकल्प पूरा करो,
दूसरा संकल्प मैं आपको देके जा रहा हूं, आप 7 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी को जिता देना, 2025 में आप में से कोई एक दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा, मैं आपको वादा करता हूं। आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा, अब उनके बहकावों में मत आइएगा, उनकी चोरी चकारी में मत आइएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर आपके संघर्ष में आपके साथ खड़ा होगा और आपके हर सुख दुख का भागीदार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।